हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अर्टिगा के बारे में, जो मारुति से आने वाली एक एमपीवी है। तो अगर बात करूँ इसकी डिमांड की, तो ये काफ़ी डिमांड में चल रही है आजकल। और इसके वेरिएंट्स की बारे में बात करूँ तो उसमें आपको चार वेरियंट्स आते हैं, जो है LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके ZXi जो बीच का वेरियंट है और ऑटोमेटिक। अगर आप ऑटोमेटिक ही आप अर्टिगा में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मतलब ZXi में यही आपको ये टॉप वेरिएंट मिलता है। ZXi प्लस के साथ आपको कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आता, उधर आपको सिर्फ मैनुअल ही लेना पड़ेगा अगर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन चाहिए हो तो। तो स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो ऐसी कुछ आपको की मिलती है यहाँ पे, एक स्मार्ट की मिलती है, टॉप वेरियंट आपको ऑटोमेटिक का ये टॉप वेरियंट है, तो जिसमें आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और इससे आप कीलेस एंट्री कर सकते हैं। और इसमें आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है। दो स्मार्ट कीज़ आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। और स्टार्ट करते हैं इसके हेडलैम्प से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस हेलोजन का सेटअप मिलता है, कोई LED आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपको यहाँ पे कोई DRLs नहीं है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स, ये लो बीम हाई बीम के लिए। नीचे आपको फॉग लैम्प ज़रूर दिए गए हैं ब्लैक हाउसिंग में। ये टॉप वेरियंट है ऑटोमेटिक का, तो आपको यहाँ पर फॉग लैम्प ज़रूर मिलते हैं। ग्रिल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सुजुकी के लोगों के साथ यहाँ पे आपको ये छोटे से क्रोम के इंसर्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी इसे अच्छा बना देते हैं लुक के मामले में अगर बात करते हैं तो। मैं अभी आपको इसके इंजन के बारे में बता देता हूँ कि मतलब क्या इसका पावर है। तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसका हुड। तो ये है इसका इंजन, जो आपको सभी मारुति की टॉप एंड कार से मिलेगा, सियाज, ब्रेजा जैसे कारों में। तो ये है इसका 1.5 लीटर का K15B पेट्रोल इंजन, जो निकालता है करीब 103 BHP की पावर और 138 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा, जो आता है इसमें टॉर्क कन्वर्टर। माइलेज की बात करूँ तो ये आराम से आपको ये 18 से 19 KMPL की माइलेज दे देगा ये इंजन। या ऊपर आपको इंसुलेशन भी दिया जाता है। और सेफ्टी की अगर बात करें तो सेफ्टी में इस कार को ग्लोबल NCAP की रेटिंग में 3 स्टार्स मिले हुए हैं। मैं एक बार हुड बंद कर लेता हूँ उसका। तो इसमें आपको 2 एयरबैग्स ABS और EBD सेफ्टी के लिए मिल जाएंगी। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल से मैं आपको एक पूरा लुक दिखा देता हूँ। तो साइड प्रोफाइल से ये पूरी लंबी कार है, 4.4 मीटर्स इसकी आपको लेंथ मिलती है। प्रॉपर 7 सीटर है ये कार। और अगर आप 6 सीटर चाहते हैं तो आप XL6 देख सकते हैं, जो भी वो एक प्रीमियम आपको अर्टिगा कह सकते हैं आप उसे। इसके टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे मिलते हैं इसके एलॉय व्हील्स, ये पर दिख रहे हैं आप, डार्क ग्रे फिनिश के आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इसकी साइज़ की अगर बात करूँ तो आपको 15 इंचज़ की मिलती है, जो है इसका जो साइज़ है इसकी 185/65R15। 15 इंचज़ के आपको यहाँ पर व्हील्स मिलते हैं। इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं ORVM पे ही, ये देखिए LED टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते। क्रोम डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका रिक्वेस्ट सेंसर, जिससे आप स्मार्ट एंट्री कर सकते हैं। बी पिलर आपको मिलता है ब्लैक्ड आउट। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपकी सेकेंड रो की विंडो की ग्लास एरिया आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, तो काफ़ी एयरी फीलिंग आती है। और पिछले टायर में अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता, आगे आपको ज़रूर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं इसके रियर में। तो आप देख रहे हैं रियर प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी लगती है लुक के मामले में अगर बात करें तो। ऊपर आपको मिलता है इसका वॉशर, यहाँ इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर्स आपको दिए गए हैं और इसका वाइपर, सुजुकी का लोगो आपको इधर है क्रोम लाइन के साथ। और स्मार्ट हाइब्रिड की आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है, मतलब ये आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब आपको फ्यूल सेव करता है जब आप ट्रैफिक में फंसे हुए होते। तो ये है इसके काफ़ी अच्छे दिखने वाले टेल लैंप्स, जो आता है LED सेटअप। यहाँ पे आपको LED सेटअप मिलता है फुल, ये देखिए LED। यहाँ पे आपके टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट। लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको मिलती है अर्टिगा की बैजिंग। पार्किंग की सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे अर्टिगा में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहाँ पे 1-2 और वहाँ पे कोई। आपको इसके ऑटोमेटिक टॉप मॉडल में आपको कोई कैमरा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें स्क्रीन ही नहीं आती, तो कैमरा क्यों लगाएंगे।
पर आप इसका अगर आपको पीछे कैमरा चाहिए तो आप टॉप मॉडल जा सकते हैं, पर वो आपको ऑटोमेटिक के साथ नहीं मिलेगी। और अर्टिका की हाईलाइट आप बता सकते हैं कि ये 3 रो की गाड़ी है, तो इसका पहले बूट स्पेस चेक करते हैं जब तीनों रो अप होते हैं। तो अगर बात करूँ इसकी बूट स्पेस की, जब तीनों रो इसके ऐसे अनफोल्डेड होते हैं तो आपको यहाँ पे 209 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब जब भी तीनों रो अप होते हैं तो आपको कम स्पेस मिलता है बाकी की गाड़ियों में, और इसे स्पेस बढ़ाने के लिए ये आप निकाल सकते हैं। मतलब ये थोड़ा आपको यहाँ पे डीप स्पेस मिलता है, वैसे ये 209 लीटर्स का होता है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका टूल किट, कोई आपको यहाँ पे बूट लैंप नहीं मिलता। और बात करो ये सीट्स आप देख रहे हैं तो ये आपको 50-50 स्प्लिट के साथ मिलती हैं, और ये आप रिक्लाइन कर सकते हैं, और अंदर की सीट्स आप 60 और 40 के फॉर्मेट में स्प्लिट कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दिए गए हैं, और अगर ये थर्ड रो आप डाउन करते हैं कुछ ऐसे, अगर ये आप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा 550 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप 5 persons मतलब 5 जन को आप 5 जन को आप बिठाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है। थर्ड रो के लिए आपको यहाँ पे दिया गया इसका कप होल्डर और एक वो 12V का चार्जिंग सॉकेट। कंफर्ट के मामले में थोड़ा टाइट स्पेस होगा, पर आप आराम से बिठा सकते हैं। और इसे ऊपर खींचने के लिए आपको यहाँ पे एक हुक दिया गया है इसे फिर से लगाने के लिए, ये आप पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड रो स्पेस के बारे में, तो कैसा स्पेस मिलता है आपको। तो सेकेंड रो में जाने के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिलती है डोर की। आप इंटीरियर देख रहे हैं तो इंटीरियर आपको फुल बेज कलर का मिलता है, जिससे आप काफ़ी एयरी फीलिंग आती है कैबिन में, और स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। और डोर की अगर बात करूँ तो सिंपल है, कोई आपको यहाँ पे सब हार्ड प्लास्टिक मिलता है। क्रोम डोर हैंडल्स, पावर विंडो का स्विच, स्पीकर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे आप रख सकते हैं अपनी बॉटल और सब कुछ मैगजीन्स आप यहाँ पे। सेकेंड रो आप देखते हैं तो यहाँ पे आप ये रिक्लाइन कर सकते हैं और पीछे रिक्लाइन कर सकते हैं, और इधर से आप जा सकते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, एडजस्टेबल आपको वहाँ पे हेडरेस्ट मिलते हैं, डेडिकेटेड आपको सीट बेल्ट मिलते हैं। और बैठ के देखते हैं, और स्पेस के मामले में अगर बात करूँ तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, आप काफ़ी ऊँचे बैठते हो, नी रूम काफ़ी अच्छा है इधर, और थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है, आप पैर फैला के बैठ सकते हैं। हेडरूम आपको काफ़ी सफिशिएंट मिल जाएगा। कंफर्ट बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मिलता है इसका हैंड रेस्ट, कोई कप होल्डर आपको इसमें नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे इसका 12V का चार्जिंग सॉकेट। चार्जिंग के लिए आप यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, ये हैंड रेस्ट आप देखिए स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं ब्लोअर के कंट्रोल के साथ, ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको रिट्रैक्टेबल मिलते हैं और वहाँ पे आपको फिक्स मिलते हैं। ड्राइवर के साइड पे आपको कोई ग्रैब हैंडल नहीं मिलता। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं सभी के सीट पे, तो वो एक अच्छी बात है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट का लेआउट अगर बात करते हैं सेकेंड रो से। स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, वही इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फ्रंट में आपको अर्टिगा की ZXi ऑटोमेटिक वेरिएंट में क्या फीचर्स मिलते हैं चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर इसमें एंट्री करने के लिए, और डोर ओपन करके देखते हैं तो डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है, और डोर पे आपको चारों पावर विंडो के स्विच, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, और ये ORVM आप फोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको मिलती है वुडन फिनिश की एक डिज़ाइन जो काफ़ी अच्छी है, कोई आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता डोर पे। स्पीकर की प्लेसमेंट मतलब इसमें आते हैं 4 स्पीकर, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 ट्वीटर की सिस्टम आता है, यहाँ पे रख सकते हैं अपनी बॉटल पेपर यहाँ पे। और सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइट ज़रूर मिलता है, और यहाँ पे रिक्लाइन भी मिलता है। इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो इसमें आपको 2 पेडल्स मिलते हैं, आपको डेडिकेटेड डेड पेडल भी दिया गया है, तो ये एक अच्छी और एक अच्छी बात इसके बारे में। और बैठ के देखते हैं, और रुको एक बार मैं सीट्स के बारे में बता देता हूँ। तो सीट्स आपको मिलती है मतलब फुल फैब्रिक की सीट्स, कोई लेदराइट का ऑप्शन नहीं मिलता, बेज कलर की, और काफ़ी लाइट शेड है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल लगती हैं बैठने पे। और इसे हम पीछे ले लेते हैं पहले और बैठ के देखते हैं, और ये इसका फुल कैबिन जो एक काफ़ी अच्छा कैबिन है, वेल डिज़ाइन कैबिन आपको यहाँ पर मिलता है। और फंक्शनैलिटीज़ की अगर बात करूँ
तो सबसे पहले इसका बेस्ट फीचर मुझे जो लगा वो है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वो देख रहे हैं आपको यहाँ पे मिलता है। अगर इसे आप दो बार प्रेस करते हैं तो इसका इग्निशन स्टार्ट होता है। इसे मैं म्यूट कर लेता हूँ पहले, और स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो राइट साइड में आपको मिलता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, हेडलैम्प लेवलिंग, और ये इसका स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम, मतलब ये फ्यूल बचाता है जब भी आप ट्रैफिक में होते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलती है, इसी फुल वुडन फिनिश मिलती है। और यहाँ पे इसके एसी वेंट्स। स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो लेफ्ट में आप देख रहे हैं इसका टैको है, राइट में आपको मिलती है इसकी स्पीडो, बीच में देख रहे हैं तो इसमें स्मार्ट हाइब्रिड की आपको बैजिंग मिलती है, और ये टॉप वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे कलर्ड डिस्प्ले मिलता है। पर उस अभी भी इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जॉयस्टिक दिया जाता है, कोई आपको स्टेयरिंग पे स्क्रीन के कंट्रोल चेंज करने के लिए आपको कोई बटन नहीं दिया जाता। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ये प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या दे रही है, और ट्रिप सेट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड का जॉयस्टिक यूज़ करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा दिखता है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, और एक ओवरऑल लुक बढ़ा देता है। स्टेयरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको डी कट का स्टेयरिंग व्हील मिलता है, पर इसमें कोई आपको लेदर रैपिंग नहीं मिलती है। देखिए सिर्फ एक प्लास्टिक का स्टेयरिंग व्हील है, और बीच में आपको मिल जाएगा इसका सुजुकी का लोगो। लेफ्ट में आप इसे कंट्रोल करने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम, मतलब जो इसका टच स्क्रीन का म्यूज़िक सिस्टम आता है, सिर्फ म्यूज़िक सिस्टम, इसे कंट्रोल करने के लिए ये इसका म्यूट बटन, कॉल काट या उठाने के लिए आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, और इसमें आपको मिलता है इसका हेडलैम्प्स के स्टॉक। पर इसमें आपको कोई देख रहे हैं आपको कोई ऑटो का फंक्शन नहीं मिलता, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। इसके वाइपर वो भी जो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सनवाइज़र की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है टिकट होल्डर, पर अब कोई ज़रूरत नहीं जब आप फास्टैग आ गए। तो यहाँ पे आपको बीच में मिल जाएगा इसका नॉर्मल IRVM, कोई इलेक्ट्रोक्रोमिक आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आपको ज़रूर एक मिरर दिया गया है, पर कोई इल्यूमिनेशन या मतलब कोई कवरिंग नहीं है इस मिरर को। और अब बात करते हैं इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की, मतलब इंफोटेनमेंट मतलब जो पैनल आता है, आप देख रहे तो ये सिर्फ आपको ये म्यूज़िक सिस्टम मिलता है जो पुराना आता था, सिर्फ इतना ही फ़र्क हुआ है। जो इसके पहले फिजिकल बटन्स आते थे वो अब नहीं रहते, मतलब नहीं रहे, आपको सिर्फ इसे टच कंट्रोल्स मिलते हैं। ये आप यहाँ से बंद या चालू कर सकते हैं, और यहाँ से हम वॉल्यूम कम या बढ़ा सकते हैं, म्यूट कर लेता हूँ। और यहाँ से आपको मिलता है इसका हैजार्ड लाइट का स्विच, यहाँ पे दिएगा इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन, हाँ ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन आपको मिलता है, और पीछे का AC भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इधर से ही। नीचे आपको मिलता है इसका USB AUX, एक 12V का चार्जिंग सॉकेट, ये देखिए 12V, और यहाँ पे एक USB AUX। फ़ोन रखने के लिए आपको अच्छा स्पेस मिलता है, कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं आती। और इसके बारे में एक सबसे अच्छा फीचर आप बोल सकते हैं जो है इसके मतलब कप होल्डर्स, मतलब AC की हवा डायरेक्ट इधर से आती है और आपके ड्रिंक्स को कूल रखती है। और ये इसका स्टार ऑफ द शो जो है इसका 4 स्पीड का टॉक कन्वर्टर का ही और मारुति आपको ऑप्शन ऑप्शन देती है, कोई CVT DCT या दूसरे कुछ आपको नहीं मिलते ऑटोमेटिक। तो ये काफ़ी मतलब ये पार्ट तो इसका काफ़ी प्रीमियम लगता है, ये लेदर रैपिंग के ऊपर ये आप थोड़ा सा प्रीमियम हो सकता था, और 4 स्पीड टॉक कन्वर्टर थोड़ा ओल्ड स्कूल अब लगने लगा है, एटलीस्ट एक 6 स्पीड तो दे ही सकते थे। यहाँ पे आपको मिलता है इसका शिफ्ट लॉक का बटन, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये इसका आर्म रेस्ट जिसमें अब दिख रहे हैं तो स्पेस थोड़ा कम है, दिख रहे पूरा हाथ से ही भर गया मेरे, और पर ये स्लाइड ज़रूर होता है। ग्लव बॉक्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका डिसेंट सा ग्लव बॉक्स, और इंफोटेनमेंट पैनल के साथ आपको यहाँ पे रिमोट दिया गया है जिससे पीछे के पैसेंजर्स भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कूल ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता। सेफ्टी की अगर बात करूँ तो 2 एयरबैग्स ABS और EBD के साथ आती है। क्रैश टेस्ट में इसने 3 स्टार लाए थे, तो काफ़ी डिसेंट है सेफ्टी के अगर मामले में बात करूँ तो इंटीरियर के डैशबोर्ड से लेके फिट एंड फिनिश तक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल पैक्ड में आपको यहाँ पे पैकेज मिलता है, कोई आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता। ये देखिए सब आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है। तो यही थे इसके इंटीरियर, जो एक सिंपल एंड सोबर आपको यहाँ पे इंटीरियर्स मिलते हैं अर्टिगा के ZXI ऑटोमेटिक वेरियंट में। तो अब बात करते हैं हम अर्टिगा की मतलब प्राइजिंग के बारे में, क्या आपको प्राइस पड़ती है इस कार की मुंबई में।
तो इसकी एक शोरूम प्राइस आपको पड़ती है करीब 10,50,000 की, 10,45 की, और इसी की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ती है अराउंड 12,45,000 की। तो आप देख रहे हैं, तो इसका टॉप मॉडल जो मैनुअल में आता है उससे सस्ता आता है, पर इसका टॉप मॉडल आप उसे नहीं कह सकते, पर इसका ZX आएगा। आप देख रहे हैं, इसका ऑटोमेटिक का वेरिएंट इसे महंगा जा रहा है। तो अगर आपको फीचर चाहिए और आप ऑटोमेटिक के बिना रह सकते तो आप ज़रूर ZX प्लस को जाइए, पर अगर आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए तो आपको यही एक इकलौता वेरिएंट है जिसमें थोड़े कम फीचर्स आते हैं ZX प्लस के मुताबिक। तो यही थे इसके फीचर्स और ओवरव्यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।